जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो खासकर CAPF के कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 14/9/2021 को भारत के माननीय गृह सचिव और भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी सशस्त्र बलों के महानिदेशकों की एक बैठक हुई थी, जिसमें सशस्त्र बलों में एकरूपता लाने के लिए और जो CAPF के कर्मचारियों को जो लाभांश दिया जाता है उसमें एक रूपता लाने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है, जो CAPF के कर्मचारियों पर 22/11/2021 से लागू हो चुका है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देने जाता हूं, क्योंकि हमारे किसी कर्मी को पता होगा, किसी कर्मी को पता नहीं होगा। मेरा यही लक्ष्य है कि जो ये जानकारियाँ मैं देता हूँ ये हमारे प्रत्येक जवान को पता चले, ताकि आप लोग इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें भविष्य के अंदर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अभी साथियों। नंबर एक, जब किसी भी जवान की किसी युद्ध में या ऑन ड्यूटी किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है या वह शहीद हो जाता है, तो उस दौरान जो भारत सरकार है उसे तुरंत प्रोत्साहन राशि प्राप्त कराती है, जिसकी वैल्यू पहले 25 लाख थी, अभी बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई है। नंबर दो, अगर CAPF का कोई भी जवान वो ऑन ड्यूटी नहीं है, वो किसी वाहन दुर्घटना में या किसी कारण लापरवाही से या नॉर्मल डेथ या सुसाइड कर लेता है, तो उसके लिए भारत सरकार जो प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करवाती है या जो लाभांश उसको देना चाहती है, उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए है। नंबर तीन, जब CAPF का कर्मचारी ऑन ड्यूटी होता है और किसी दुर्घटना के कारण या तो वो नदी में गिर जाता है या कहीं विस्फोट या कहीं किसी न किसी कारण से वो मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, गुम हो जाता है और गवर्नमेंट को वह मिलता नहीं, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, ना ही मरा हुआ प्राप्त होता है, तो इस कारण से भारत सरकार तब भी उसको लाभांश राशि देती है। टोटल 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है भारत सरकार। वो या तो गुम हो गया है या गुम हो गया था, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, डेड बॉडी मिल जाती है, वो राशि दो भागों में दिलवाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। पहले अगर मिसिंग केस है तो मिसिंग के 6 महीने बाद कर्मी के परिवार वालों को 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगर वो मिसिंग इनटू डेथ है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके 7 साल बाद भारत सरकार उसको 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। नंबर चार, साथियों, जब CAPF का कोई भी कर्मी मेडिकल बोर्ड के थ्रू आउट होता है, तो मेडिकल बोर्ड भी उसे एक सांत्वनाजनक सहायता राशि प्रदान करवाता है, जो इस प्रकार है। अगर कर्मी की डिसेबिलिटी 1-25% के बीच में है, तो भारत सरकार उसे 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। अगर डिसेबिलिटी 25-50% के बीच में है, तो भारत सरकार उसे 10 लाख की सहायता राशि प्रदान करवाती है। अगर डिसेबिलिटी 50-75% के बीच में है, तो भारत सरकार उसे 15 लाख की सहायता राशि प्रदान करती है। और अंत में, अगर डिसेबिलिटी
75% से ऊपर है तो भारत सरकार उस कर्मी को 20 लाख की सहायता राशि प्रदान करके मेडिकल बोर्ड आउट करती है। साथियों, आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे पास कमेंट भी करें कि आगे मैं किस प्रकार के टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाऊं। और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल हाई होगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।